हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट क्लास 8th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें दो फिगर्स दे रखा है, ए एंड बी। इसमें से एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि कोई भी पॉलीगन्स है, अगर इसके अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और बाहर के एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और किसी भी पॉलीजन्स का, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल में हो या रेक्टेंगल में हो, सॉरी ट्रायंगल में हो या पेंटागॉन में हो, हेक्सागॉन में हो, किसी भी फिगर में हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल यानी कि इनके बाहर का टोटल एंगल का प्लस 360 के इक्वल होता है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल यानी कि इसके अंदर का अकॉर्डिंग टू पॉलीगन्स। अगर ट्रायंगल है तो 180 होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 360 डिग्री होगा, अगर पेंटागॉन है तो 540 होगा। तो इस तरह से फिगर्स के अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल भी अलग अलग चेंज होते रहते हैं, लेकिन इसमें हम निकालेंगे कि जो एंगल्स दे रखे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है ए क्वेश्चन है हमारा, और यहां पे ये भी एक्सटीरियर है यानी बाहर का एंगल है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है। तो 125 प्लस 125 इक्वल्स टू 360, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360, ठीक है। किसी भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स लिख दो, ऑफ पॉलीगन्स इसलिए लिख लिया क्योंकि किसी भी फिगर में पॉलीगन्स में सारे आ जाते हैं ना, तो किसी भी फिगर्स का एक्सटीरियर एंगल का प्लस जो होता है वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है सब में लिखना होगा, तभी जाकर हम इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और अब ये कांस्टेंट है ना, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 250 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360, और वेरिएबल को इधर और कांस्टेंट को इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। तो ये आपका आंसर जो है वो आ गया 110 डिग्री, 110 डिग्री यानी 110 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गया बिल्कुल सेम, यानी कि ये जो है एक्स की वैल्यू जो हमारा फाइंड आउट हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। बी में हमें क्या करना है कि सिर्फ स्टेटमेंट वही होगा लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। रूल्स उसी के अकॉर्डिंग करना है। ये भी पॉलीगन्स ही है, और इसका भी जितने भी पॉलीगन्स होते हैं सबका जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन सबका प्लस 360 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल्स है, इससे पहले कि हम कुछ यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको हमने मान लिया 1, और इसको एक तो ये हो गया ऐसे, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नहीं, ये इसको मान लेते हैं 2। तो अब देखो एंगल 1 प्लस 90 इक्वल्स टू, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, यहां लिख सकते हो लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में दो एंगल को प्लस करने पर कितना होगा, 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 90 वो है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस, इसकी तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें फाइंड आउट कर क्या करना है, इसको करना है, इसको मान लो 1, इससे हमें फाइंड आउट नहीं करनी है, ठीक है। तो 180 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमारा जो ये है ये 90 डिग्री, ये भी आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये लिखोगे आप, ठीक है, अब एंगल 1 आ गया,
तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, यानी 70 डिग्री प्लस x, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है ना, प्लस इसका एक्सटीरियर एंगल 90 है, प्लस इसका एक्सटीरियर एंगल 60 है, प्लस इसका एक्सटीरियर एंगल भी 90 है, और फिर इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ ऑलरेडी 70 दे रखा, तो टोटल कितना हो गया 360। अब हम एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जितने भी कॉन्स्टेंट है वो सबको हमें एक साथ प्लस करना है, ठीक है। और x प्लस, अब हम इन सबको प्लस करने जा रहे हैं, तो 90 और ये 150 हो जाएगा, 0 0 0, सब में 0 है तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 15, और 15 और 9 कितना हो गया 24, 24 और 7 31, यानी 310 हो गया, इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 310, तो ये आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू जो है वो हमारा 50 डिग्री आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।